आखिर कौन कर रहा है शिव ठाकरे को सपोर्ट और कौन है, दो लोग कर रहे हैं, एक तो एक नोन कोरियोग्राफर है और एक है बिग बॉस मराठी की कंटेस्टेंट। और जिस तरीके से शिव ठाकरे को इस समय ये लोग प्यार दे रहे हैं, चीज़ तो बहुत पक्की बात है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस मराठी के सारे कंटेस्टेंट्स एकजुट होकर शिव ठाकरे को सपोर्ट करने में जुट गए हैं और पूरी तरीके से शिव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। लेकिन क्या शिव ठाकरे इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, इस जिस तरीके से उनके कंधों पर दारोमदार डाला जा रहा है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र लेके चलने का, क्या वो उस बात पर खरे उतर पाएंगे और क्यों और क्या कह रहे हैं ये दोनों, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। तो अगर बात की जाए शिव ठाकरे के गेम प्लान के बिग बॉस के घर में, तो शिव ठाकरे जिस तरीके से खेल रहे हैं ना कहीं शिव ठाकरे का दिमाग वही चल रहा है कि अगर बात विनर की हो ना तो मेरे आजू बाजू भी कोई ना दिखे, चारों खाने चित, वो हिसाब है शिव ठाकरे का। क्योंकि कहीं ना देखो, अगर निमृत को सपोर्ट करने वाला जो मुद्दा सबसे ज्यादा बिग बॉस के घर में उठाया जाता है ना, तो आपको एक चीज बता दूं, ये मेरा प्रेडिक्शन है पर्सनली, कि निमृत को ना शिव इसलिए अपने से अलग नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो दिल की बातें होती है ना, जो गेम की बातें होती हैं, वो सारी चीजें शिव करते हैं। जो दिल की बातें होती है, जो मस्ती वाली बातें होती है, वो सारी बातें शिव स्टैंड से करते हैं। लेकिन जो गेम पॉइंट ऑफ व्यू की बातें होती हैं, जो किसी को बतानी चाहिए, गेम की बातें जो होती है अंदर के बिग बॉस के घर के अंदर की गेम की बातें, वो सारी बातें निमृत से करते हैं। और कहीं ना कहीं शिव को ये डर है कि अगर निमृत मुझसे अलग हुई और मुझसे दूर गई ना, तो वो जाके मिलेगी अर्चना से। और शिव ये बात जानते हैं कि अगर अर्चना ने एक बार कोई मुद्दा अपने हाथ में पकड़ लिया ना, तो वो इतना पोक करेगी कि उसके बाद शिव को बौखलाना पड़ेगा, तो वो उनको इफेक्ट करेगा एट दी एंड। ऐसे ही नहीं बोलते शिव को मास्टरमाइंड भाई, ये सारी चीजें, बंदा बिग बॉस मराठी खेल के या रियलिटी स्टार बोलते हैं उसको, इस वजह से ये एक पॉइंट है कि निमृत को इस वजह से वो सपोर्ट कर रहे हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे। और एक मैं बता देता हूँ आपको, वैभव एक कोरियोग्राफर है, बहुत नोन कोरियोग्राफर वैभव भागवत ने स्टोरी डाली है शिव को लेकर, टैग किया है उनको, आप देख सकते हो। इसमें लिख रहे हैं वो, शिव ठाकरे ही डिजर्व्स टू विन फॉर श्योर और टास्क विनर ऑलवेज। फिर को लिख रहा है कि मतलब जिस तरीके से कल मिर्ची पाउडर डाला गया और रात में सारी चीज़ें डाली गई, तो कहीं ना कहीं बहुत दुखद था ये चीज़ें देखना, क्योंकि शिव की एक आँख लिटरली सूजी है, वो पूरी लाल हो चुकी है। इसमें लिख रहे हैं वो, जस्ट सी द डिफरेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, शिव ठाकरे इज बेस्ट, विजयी भव शिव ठाकरे। और उसके बाद मीनल शाह जो बिग बॉस मराठी की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं और MTV राइजिंग स्टार में भी आ चुकी हैं, उन्होंने भी शिव ठाकरे को लेकर सपोर्ट किया, देख सकते हो उन्होंने ये स्टोरी डाली है शिव को, जिसमें वो लिखती हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ बिग बॉस सीजन 16 इज शिव ठाकरे, और क्लैपिंग वाला इमोजी डाला गया है। तो कहीं ना कहीं इनकी बातों से एग्री भी किया जा सकता है, क्योंकि बिग बॉस सीजन 16 के वाग, महाराष्ट्र का वाग बोल लो या शेर बोल लो, शिव ठाकरे हैं और डिजर्व करते हैं बिग बॉस सीजन 16 जीतना, बाकी तो आप पे है और जनता जनार्दन पर है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी गॉसिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।